दोस्तों भारी मस्ती करने आज दो दो टैबलेट को यहाँ पे ले आया है। हेयर यू कैन सी भाई परफेक्ट लुक आज दोनों में भाई कंपेयर होने वाले हैं। अब देखो 8000 अगर आपका बजट है ना, यही दोनों भाई मटर गश्ती वाले ऑप्शन है। एक तरफ भाई रियलमी है और दूसरी तरफ आपके पास ऑनर का X8 आ जाता है। अब ये दोनों टैबलेट पे आज गेमिंग वेमिंग चेक करेंगे यार, कैमरा हो गया, बैटरी हो गया, सब एकदम यार टॉप क्लास चेक होगा यार। भिड़ंत कराते हैं, देखते हैं किसमें कितनी है पावर भाई, झोल देते हैं शुरुआत। दोनों टैबलेट इन माई हैंड्स आ गए। अब सबसे पहले देखो प्राइस की बात करते हैं। अगेन इन दोनों की अगर आप प्राइसिंग यार चेक करोगे तो मैंने खुद 7000-8000 के अप्रोक्स खरीदा है, बट राइट नाउ भाई Amazon पे दोनों की प्राइसिंग कुछ अलग ही चल रही है, 10000 के आसपास। तो 10000 में इनको बिल्कुल मत लेने का, क्योंकि यार ये 10000 के हिसाब के नहीं है। 10000 में हमने वीडियो बना रखी है, आई बटन पे आपको मिल जाएगी, Realme Pad SC ये सब आ जाते हैं, तो वो ज्यादा बेस्ट रहेंगे। तो यही बोलूंगा भाई, थोड़ा सा वेट कर लो क्योंकि इनके प्राइस बिल्कुल यार कम हो जाएगी Amazon Flipkart पे चेक करना, ठीक है। अभी थोड़ा ओवर प्राइस चल रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसा है। इसके अलावा अगर यार बात करें, स्टार्टिंग करते हैं दोनों की, तो यार सबसे पहले आती है यार डिस्प्ले की बात। तो डिस्प्ले में अगर आप देखो, सबसे पहले ये जो आप राइट नाउ देख रहे हो ये अपना Realme पैड मिनी है, इट्स कम्स विद 8.7 इंच के आसपास की इसकी डिस्प्ले मिल जाती है, 800x3400 पिक्सल के नियर अबाउट मिल जाते हैं। और ये डिस्प्ले बिल्कुल भाई 720 है, ना कि यार 1080p, तो ये एक बेकार चीज हो जाती है। अगेन आप अगर वीडियो देखोगे ठीक ठाक है, एवरेज में बोलूंगा 720 में इतना फन नहीं आता है। बट वही अगर आप दूसरी जगह पे ये उठा के देखोगे तो ऑनर X8 के अंदर थोड़ा बेस्ट हो जाता है मामला। यहां 1080p डिस्प्ले है, 10.1 इवन साइज में भी बड़ी हो जाती है, साथ में यार 1200x1920 के आसपास इसके अंदर पिक्सल आपको मिल जाते हैं। ये एक फुल HD डिस्प्ले है, डिस्प्ले में तो डायरेक्टली क्लियर कट होता है भाई, आपको आंख बंद करके X8 पे चले जाना। और डिस्प्ले काफी बड़ी चीज होती है, अगेन यार टैबलेट के हिसाब से छोटी डिस्प्ले इतना पसंद नहीं करते, बड़े का मामला ही अलग है, ठीक है। तो डिस्प्ले में अपना X8 आराम से जीतता है सेम प्राइस में। नेक्स्ट दोस्तों अब बात करते हैं प्रोसेसर की, क्यों प्रोसेसिंग पावर भी काफी मेन यहाँ पे रहता है। तो अपने को यार Realme Pad Mini के अंदर Unison T616 के आसपास प्रोसेसर मिल जाता है, और वही अगर आप Honor X8 के अंदर देखोगे तो यहाँ अपने वो MediaTek Helio G80 के आसपास मिल जाता है। दोनों टैबलेट में ज्यादा फर्क नहीं है इस प्रोसेसर में, दोनों को अगर कंपेयर में भी उठाओगे तो ऑलमोस्ट काफी हद तक सेम आता है। यहाँ मैं आपको बेंचमार्क स्कोर दिखा देता हूँ, तो राइट नाउ भाई आपको CPU Geekbench स्कोर ही आप राइट नाउ देख सकते हो, ये दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। अगेन मैं बोल रहा हूँ दोनों प्रोसेसर एकदम यार काफी हद तक सिमिलर परफॉर्मेंस देते हैं। GPU में अगेन यार थोड़ा सा फर्क आपको शायद देखने को दिख जाए, Realme थोड़ा बेटर दिखेगा क्योंकि उसके अंदर G57 दे रखा है। अगर एंटू टू स्कोर की बात करें, ये सबसे बड़ा टेस्ट होता है, ये मतलब कंप्लीटली ओवरव्यू पूरे सिस्टम का बता देता है, और ये टेस्ट में तो आपको क्लियर कट हो रहा है दोनों में बहुत ही कम अंतर है भाई, 2 लाख के आसपास का अंतर है मेरे हिसाब से, तो इतना कुछ खास परफॉर्मेंस में डिफरेंस दिख नहीं रहा है। बाकी प्रोसेसिंग का रियल मजा आएगा भाई गेमिंग के अंदर। तो गेम्स टेस्ट की बात करूं, सबसे पहले यहाँ पे दोनों गेम्स 3-4 गेम्स देखेंगे, तो सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ X8 के ऊपर। तो X8 में देख सकते हो फ्री फायर काफी अच्छे से चल रही है, देखो फ्री फायर दोनों टैबलेट में काफी ठीक ठाक चल रही है, और आराम से आप इसको दोस्त के साथ खेलना चाहते हो खेल सकते हो। X8 के अलावा Realme में देखोगे यहाँ पे भी अपनी यार फ्री फायर ऑलमोस्ट रॉकिंग रॉक चल रही है भाई, ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, ये कोई बड़ी यार प्रॉब्लम नहीं रही। BGMI की बात करते हैं दोस्तों, तो BGMI अगर आप X8 में देखोगे तो यहाँ सबसे पहले मेजर चीज होती है सेटिंग्स। तो सेटिंग में आप देखो यहाँ पे स्मूथ के अंदर आपको अल्ट्रा सेटिंग तक मिल रही है, ये चीज अच्छी लगी मेरे को, स्मूथ अल्ट्रा यहाँ पे आपको मिल जाती है। और गेम प्ले की बात करूं वो भी काफी स्मूथ है, ऐसा मुझे कुछ खास प्रॉब्लम नहीं दिखी, गेम हमने थोड़ी देर खेली थी, मतलब कभी कभार हो सकता है आपको हल्का का इलेक्ट माइन्यूट मिल भी सकता है यार, क्योंकि ये दोनों टैबलेट अंडर बजट है तो हो सकता है कभी कदार हो जाए, या आपने ऐप बहुत सारे लोड कर दिए बैकग्राउंड में ज्यादा चीजें चला दी तब बैंड बच सकती है। बट वैसे देखा जाए एज पर मैंने अगर सिंगल ऐप के हिसाब से बताऊं तो काफी सही चल रहा था। और वही अगर Realme में भी आप देखोगे तो गेम तो अपनी यहाँ पे भी स्मूथनेस के साथ, मतलब यार गेम चल रही है ठीक ठाक अपनी, वही BGMI अपनी देख ही रहे हो आपके सामने गेम प्ले ऑलमोस्ट यार कैपेबल है गेम, अपने दोस्तों के साथ कैजुअल आप खेलना चाहते हो, कॉम्पिटेटिव नहीं भाई, क्या यहाँ पे इस प्राइस में कॉम्पिटेटिव मतलब ही नहीं बनता है। बट हाँ अगर नॉर्मल खेलोगे तो ठीक ठाक चल रही है, बट सेटिंग्स में काफी बड़ा चेंज है, क्योंकि देखो यहाँ पे अपने को स्मूथ के अंदर हाई तक की सेटिंग्स मिलती है, ये काफी अलग चीज हो जाती है। ये MediaTek में थोड़ा सा आपको बेनिफिट हो रहा है, वहां स्मूथ अल्ट्रा मिल रहा था, Realme में अपना वही स्मूथ के अंदर हाई मिल जाता है। और एट द एंड अगर कॉल ऑफ ड्यूटी की बात करूंगा तो वो भी काफी अच्छी दोनों के अंदर चल रही थी, ऐसे मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम दिखी नहीं, और कॉल ऑफ ड्यूटी भी भाई प्लेबल थी, इसको तो आप हाई सेटिंग्स में नहीं खेल सकते दोनों टैबलेट में, ये बात तो क्लियर होती है। वैसे नॉर्मल अगर देखा जाए तो नॉर्मल गेम प्ले के हिसाब से आपके सामने X8 में तो ठीक ठाक चल रही है, Realme में भी ठीक ठाक चल रही है। और सेटिंग्स की बात करूं तो भाई लो और मीडियम की सेटिंग ही आपको मिल पाएगी मैक्स टू मैक्स, और ये दोनों बेकायदा है, मतलब एक छोटे टैबलेट के हिसाब से एवरेज टाइप की मैं बोलूंगा, ठीक ठाक है गेमिंग परफॉर्मेंस, एवरेज परफॉर्मेंस बोलूंगा। गेमिंग भाई अगर आप इनको गेमिंग के पर्पस से सोच रहे थे तो थोड़ा सा बेकार भी रह सकता है, मतलब ठीक ठाक कैजुअल दोस्तों के साथ खेलने लायक ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, दोनों ऐसे ही यार निपट जाएंगे। बाकी बैटरी की बात करता हूं तो यहां Realme थोड़ा सा जीत जाता है, इसके अंदर भाई 6400mAh के आसपास बैटरी मिलती है विद फास्ट चार्जिंग, तो ये थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है। इसके अंदर देखो 5100mAh के आसपास बैटरी है, ये भी काफी
कूल इनफ है। अब देखो बैटरी यार 6000 भी बहुत ज्यादा हो जाती है, 5000 भी आपका काम आराम से कर देगा। तो ये कोई आप दाव नहीं लगा सकते मेरे हिसाब से, मतलब बैटरी पे। मेरे हिसाब से यार ओवरऑल देखो X8 काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। बाकी यहाँ कैमरे में भी यहाँ पे Realme थोड़ा अच्छा निकल जाता है। बैक में 8 मेगापिक्सल कैमरा मिल रहा है और फ्रंट में 5 मेगापिक्सल, ये थोड़ा है बातचीत। और वहीं अगर ऑनर के अंदर देखोगे तो उसका कैमरा थोड़ा सा बेकार है इससे, क्योंकि उसके अंदर बैक में भाई 5 मेगापिक्सल मिलता है और फ्रंट में 2 मेगापिक्सल। बाकी कैमरा बैटरी के अलावा तो भाई ऑनर अपना काफी अच्छा खेल खेल रहा है। देखो UI भी काफी मेजर चीज हो जाती है। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ सबसे पहले Realme की, तो Realme में देखो UI काफी हद तक एंड्रॉइड टाइप का देता है और ये एंड्रॉइड वर्जन 11 पे चल रहा है और बहुत हद तक आपको ऐसा टैबलेट टाइप का फील भी नहीं लगेगा, मतलब नॉर्मल जैसा एक रहता है, स्टॉक टाइप का फील है बिल्कुल भाई। आप आराम से चलाओ इसके अंदर, ऊपर से अपना नोटिफिकेशन सेंटर हो गया या फिर अलग अलग कस्टमाइजेशन हल्की फुल्की आप कर सकते हो। टैबलेट है पर टैबलेट टाइप का मुझे इतना अच्छा खतरनाक फील नहीं मिलता। वही अगर दूसरी तरफ आप ऑनर के अंदर देखोगे तो इसके अंदर एंड्रॉइड आपको 12 भी मिल जाता है, साथ में मैजिक UI मिलता है। और इससे एक चीज लगता है भाई, टैबलेट में एक अलग ही लुक आ जाता है। एक महंगे टैबलेट में जैसे नीचे के साइड में ये टास्क बार टाइप का नहीं होता, ये इसमें आपको मिल जाता है। तो ये चीज कस्टमाइज वस्टमाइज थोड़ा बेस्ट हो जाती है और एक अलग ही लुक मिल जाता है भाई। टास्क बार वाली चीज है ना, ये मजेदार लगती है मेरे को, तो ये थोड़ा UI में अच्छा लगता है। इसमें ऐप ड्रॉ टाइप का नहीं है, इसमें आप बेसिक चलाओगे और नोटिफिकेशन सेंटर अपना मेजर यार बेसिक चीजें आ जाती है। तो यही दोस्तों ओवरऑल सीन था इन दोनों टैबलेट का। अब ये दोनों यार 8000 के आसपास आ जाते हैं और ये बेस्ट है। अभी इनसे भी सस्ता चाहिए तो भाई एक 5700 रुपए का भी आता है, हमने आई बटन पे वीडियो बना रखी है, वो Lenovo का है सोचो, तो वो भी काफी ठीक है, वो एवरेज है भाई, प्राइस भी तो देखो। ये है भाई दोनों एकदम खतरनाक टाइप 8000 में। अगर आपका थोड़ा सा बजट ज्यादा है तो मैं आपको प्रेफरेंस दूंगा 10-11 में बेस्ट आ जाते हैं, उस पर आपको आई बटन पे वीडियो मिल जाएगी। ये काम चला हुआ है और काम चला हुआ मैं आपको दिखा दिया, ऑनर X8 यार काफी बेस्ट है एज कम्पेयर टू ये अपनी Realme। तो Realme को तो आपको ऐसे करके फेंक देना है, काफी मजबूत है यार, गिरने के बाद भी चल रहा है, ठीक है, ये सही में गिर गया था। बाकी हाँ ऑनर X8 अपना बेस्ट रहेगा इन दोनों में अगर आप देखो। ये कम्प्लीटली सीन था। बाकी दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई होगी तो बिल्कुल भाई लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब बनता है ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय यार, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।